सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। आज का पंचांग 26 जुलाई 2021 दिन सोमवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 2:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:36 से 9:16 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 26 जुलाई 2021 दिन सोमवार, अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें, इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती है। अध्यात्म और गुण विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, इससे आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय संबंधित कार्यों में उचित लाभ की स्थिति बन रही है, इसीलिए इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। दिन आपकी योजना के मुताबिक आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अचानक से ही कुछ बातों में बड़ा बदलाव नजर आ सकता है, इसलिए खुद के अंदर लचीलापन लाने की कोशिश करें। साथ में स्वभाव में भी कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। किसी व्यक्ति के साथ अपने स्वभाव के बारे में चर्चा करके उन बदलावों को सहजता से अपनाना आपके लिए आसान होगा। काम के लिए चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो, काम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात पर ध्यान टिकाए रखना आवश्यक होगा। पार्टनर द्वारा रिलेशनशिप से संबंधित गंभीरता कम होने की वजह से आप जाने अनजाने में रिलेशनशिप को नजरअंदाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने की वजह से परिवार जनों की नाराजगी रह सकती है। काम के साथ साथ संबंधों को भी मजबूत रखने की जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से परहेज रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ समय घर परिवार के लिए भी जरूर निकालें, संबंधों में मधुरता रहेगी। आपके संबंध में धीरे धीरे बिना कही बातों और अनसुलझे मुद्दों के कारण दरार आ रही है। आप इस डर के कारण उन्हें सामने नहीं लाना चाहते कि कहीं इससे रिश्ता टूट ना जाए। हालांकि आज आप सामान्य रूप से सामना करने वाले मूड में रहेंगे और जो बातें आपको पसंद नहीं आई है उन सभी को बातचीत करके स्पष्ट करना चाहिए। बात करते हैं करियर की। आपका कार्य के साथ हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि यह आपके करियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। ज्यादातर समय मार्केटिंग और बाहर की गतिविधियों में भी बीत जाएगा। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय करने की सोच रही है तो यह डील फायदेमंद रहेगी और आपके निर्णय भी सर्वोपरि रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपने अपना वजन कम करने संबंधित
एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। आज आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। शायद आपको कोई चॉकलेट देगा या आपके पसंदीदा जंक फूड के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन आप आसानी से इस लालच से बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप इस बार ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।